हाँ एक मिनट, ये देखिए देखिए भाग गए तो कोई तो अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं स्नेक कैचर आबिद। दोस्तों आज का कॉल जो आया है वो आया है हरदोई रोड, यानी लखनऊ में ही हरदोई रोड, मलियाबाद तहसील से करीब 18 किलोमीटर आगे एक गांव है जो काफ़ी अंदर पड़ता है, जिसका नाम है प्रसादी खेड़ा। तो वहाँ से कॉल आया है और इन्फॉर्मेशन ये है कि एक कोबरा सांप है, काला सांप, और वो भूसे के ढेर में छुप गया है जा करके। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। नहीं साहब इसमें होल में, इसी होल में है, नहीं नहीं क्या है मेरे पास, ठीक है लो, इसी होल में है साहब, एक मिनट दोस्तों। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन जैसे मैंने देखा था फर्स्ट टाइम में तो सांप बाहर ही बैठा हुआ था, और जैसे मैंने टॉर्च मारी वो थोड़ा सा अंदर चला गया, और मैं इसी डायरेक्शन पर जिधर ये बिल गया है पीछे से थोड़ा से हटाना शुरू करूँगा जो बोरियाँ हैं भूसे की, ताकि अगर मैं आगे से छेड़ूँगा सामने से तो वो पीछे की तरफ चलता चला जाएगा और ना जाने कितना लंबा बिल हो ये। खैर तो मेरी कोशिश है कि पीछे से ही 2-3 फीट पीछे से मैं ये बोरियाँ हटा रहा हूँ, ये भूसा हटा रहा हूँ, यहीं पे जब बिल डैमेज होगा नीचे तो यहीं या तो इधर ही सांप निकलेगा या फिर बिल की साइड से सांप निकलेगा। यही दोस्तों बोरी है जिसके नीचे आप देख सकते हैं बिल आया हुआ है, ठीक यहीं पे सांप बैठा हुआ है। काफी रोमांच आता है लोगों को कोबरा को देख करके, खासतौर पर सांपों में। और दोस्तों थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा स्टैंड कराना पड़ता है कि ये सांप जैसे ऐसे उठा के खड़ा है ना, ऐसे जब फन मारेगा तो सिर्फ 25-20% चांस है कि वो आपको जहर छोड़ेगा, जहर नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए। अगर जहर नहीं छोड़ेगा आप जाओगे झड़वाने के लिए, आप बच जाओगे तो आप कहोगे कि हम बच गए, सामने वाले ने मंत्र पढ़ दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी आपके अंदर जहर ही नहीं गया है ना। और जब ये जहर छोड़ेगा, समझिएगा, जब ये जहर छोड़ेगा तब वो ओझा नहीं बचा पाएगा, तब वो क्या कहेगा कि देर कर दी लाने में, ठीक है ना। इसलिए सांप कोई भी काटे झाड़ फूक वाले के पास बिल्कुल नहीं जाना है। दोस्तों जरूरी जरूरी जानकारी मैं जरूर दे देता हूँ जहाँ भी रेस्क्यू करता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन के बाद में अब वक्त है इस सांप को पैक करने का। सांप दोस्तों जब तक कि हाथ में रहता है जान का खतरा बना ही रहता है। सेकंड के कुछ हिस्से में जिंदगी और मौत का सवाल रहता है। ये देखिए दोस्तों, हालांकि ये बाइट करने के लिए नहीं ऊपर आया था, ये सिर्फ शायद सहारा लेने के लिए आया था, लेकिन फिर भी सांप का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो बाइट कर लेगा। थैला जो हम मिला रहे थे ये इसको लग रहा था खतरा है, कोई दुश्मन है, आप खड़े रहोगे, देख ना पैर मेरा है, पैर के पास आ रहा, उसको खतरा नहीं लग रहा कि कोई इंसान है, लेकिन थैला हिल रहा है तो उसको लग रहा खतरा है, ऐसे अपने डिफेंस में खड़ा हो जाएगा, तब इसको लगेगा कि कुछ है यहाँ पे, और आप हिलोगे नहीं तो इसको नहीं पता कि जानवर है कि इंसान है, क्या है क्या कुछ नहीं पता। तो जब इतना नहीं पता है तो ये शक्लें कैसे पहचान लेगा, बदला कैसे लेगा, है ना। तो ये सब पिक्चरों से जो है सब
गया है ये हम लोगों के दिमाग में, इसको निकाल दीजिए। अच्छा तुम भैया ग्राहक कहाँ हो? काकोरी। काकोरी चले नंबर ले लीजिए।